सुपर स्टार्टअप्स ऑफ इंदौर के पहले एपिसोड में मैं आपको ले चल रहा हूँ लोटस वैली के पास, एक ऐसे ऑर्गेनिक फार्म पे जहाँ बनाए जा रहे हैं हम लोगों के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो क्या है इस ऑर्गेनिक फार्म की स्टोरी, किस किस प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, जानेंगे उन्हीं के फाउंडर। सुपर स्टार्टअप्स ऑफ इंदौर के पहले एपिसोड के लिए मैं आ गया हूँ डीप रूट्स काउ गिर फार्म और यहाँ पर अंकित जी हैं। हेलो अंकित जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और अंकित जी मुझे इस पूरे फार्म का टूर कराएंगे और जानेंगे कि आपके लिए और मेरे लिए क्या है इस फार्म में स्पेशल। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा व्हाट इज दिस डीप रूट्स ऑल अबाउट। सर आशीष जी, कैसा है डीप रूट्स? हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो कंसेप्ट ये था कि जैसा हमारा नाम है डीप रूट्स, ओके, एंड इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन कि अगर आप इंडियन कल्चर को देखें तो उसकी जड़ें बहुत गहरी है। बिल्कुल। अगर हम खाने पीने की चीज़ों में भी या रहन सहन की चीज़ों में भी अगर हम हमारी पुरानी पद्धतियों को अपनाते हैं तो हम हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके। उस चीज़ों को देखते हुए हमने हमारे पूरे इस कंसेप्ट को नाम दिया डीप रूट्स। अभी डीप रूट्स का एक और मीनिंग है सर, रूट्स का कंसेप्ट होता है सर, जिस तरह रूट्स का कंसेप्ट है स्टोर्स करना न्यूट्रिएंट्स को। ओके। और एक तरह का खजाना है न्यूट्रिएंट्स का जड़ों में पौधों के लिए, उसी तरह डीप रूट्स का विजन है एक स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बनने का, कि हम जितना अच्छे से अच्छी चीज़ें न्यूट्रिटिव चीज़ें लोगों तक पहुंचा सके, हम वो न्यूट्रिटिव चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उस कंसेप्ट के साथ हमने डीप रूट्स फार्म की शुरुआत की। तो फार्म से थोड़ा सा एक मुझे भी कन्फ्यूजन था कि ऑर्गेनिक फार्म क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जब मैं अंदर पहुँचा तो आपने बताया कि हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट रेंज में काम कर रहे हैं। जी, तो वो थोड़ा सा और क्लैरिफाई करिए मेरी और ऑडियंस के लिए। बिल्कुल आशीष जी, हम लोगों ने डीप रूट्स फार्म की जो शुरुआत करी, जैसे हमको न्यूट्रिटिव चीज़ें पहुँचानी थी, काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद हमने पाया कि अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में या किसी चीज़ों में कुछ काम अच्छा न्यूट्रिटिव काम करना है तो हमें सबसे पहले नीड है गाय। ओके। गाय होगी तो बहुत सारे पर्पस फुलफिल होते हैं। ओके। पहला, हम लोगों तक अच्छे दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। ओके। उसके बाद गाय का जो मैन्योर है, जो गोबर निकल रहा है, उससे हम खेती के लिए काफ़ी अच्छे मैन्योर फर्टिलाइजर्स तैयार कर सकते हैं। गोमूत्र और गोबर दोनों का ही नीड होता है अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो। तो बेसिकली जो मुझे क्लैरिफाई हुआ है कि डीप रूट्स बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करता है। अभी हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में हैं और लेटर ऑन हम एक एक करके स्टेज वाइज प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध घी से शुरुआत किया। अभी हमने उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किए, जैसे अब हम मिठाइयाँ बना रहे हैं, हम न्यूट्रिटिव लड्डूज बना रहे हैं, एंड दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर हेल्दी। मतलब ऐसा नहीं है कि मिठाई है तो अनहेल्दी है। अगेन मैंने बताया, ट्रेडिशनली भी मिठाइयाँ बनती थी तब लोग खा के बीमार नहीं होते थे। तो उसके इंग्रेडिएंट्स नेचुरल होने चाहिए, इंस्टेड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स, सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर उसके साथ डाले जाए तो कभी हार्म नहीं करेंगे, तो उसी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैं पढ़ भी रहा था आपके बारे में, ये जो आपका पूरा फार्म है जी, ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे चल रहा है जी। तो मुझे जानने में आया है कि यहाँ पर जो इवन गाय के लिए फॉडर बन रहा है या गाय जो चारा खा रही है जी, इवन जो उस चारे को उगाने के लिए जो खाद इस्तेमाल हो रहा है वो भी ऑर्गेनिक है जी, तो जी, क्या है ये पूरा प्रोसेस, थोड़ा सा और मुझे डिटेल में बताइए जिससे क्लियर हम लोगों को भी समझ में आए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेसिकली होते क्या है। वो रूट्स, जैसा आपने बताया कि रूट्स से ही वो चीजें हम लोग इंग्रेड कर रहे हैं चीजों में, तो वो उसके बारे में क्या है वो पूरी जानकारी। सर इस फार्म पर पूरा प्रोसेस इंटीग्रेटेड है। ओके। गाय को अगर हम देखें तो खाने के लिए चारा चाहिए होता है। बिल्कुल। और कुछ कॉन्सेंट्रेट या दाना चाहिए होता है जिसके बेसिस पे वो हेल्दी रह सके और अच्छा दूध दे सके। तो हमने सबसे पहले फीड पर काम किया कि जो हमें गाय को खिलाना है, क्योंकि आप जैसा गाय को खिलाएंगे वो वैसा ही दूध देने वाला। शायद कहा भी जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। एग्जैक्टली। तो अगर वो चीज़ जब मनुष्य के लिए एप्लीकेबल है तो वही चीज़ गाय के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम लोगों ने सबसे पहले फोकस किया कि हम गाय को अच्छा कैसे खिलाएं। तो उसके लिए हरा चारा सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट होता है, जो मोस्टली लोग जिसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर इसलिए किया जाता है क्योंकि डेली चारा उगाना, उसे काटना, उसे फीड करना एक टीडियस टास्क है। तो लोग उसको अवॉइड करने के लिए क्या सोचते, या तो हरा चारा कम्प्लीटली अवॉइड करते थे कि खिलाना ही नहीं है, क्योंकि दूध तो गाय बिना हरा चारा खाए भी देगी, पर न्यूट्रिटिव कितना रहेगा वो क्वेश्चनेबल है। पर क्योंकि टीडियस टास्क है इसलिए लोग उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि ना खिलाएं तो बेटर है। फिर सब समझ में आया कि यार ना खिलाना प्रॉब्लम है तो उसका शॉर्टकट क्या लगाया जाए, तो
तो एक शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए लोग साइलेज भी बनाते हैं. साइलेज इज लाइक जैसे हम अचार बनाते हैं उस तरह के, हरे चारे का एक साइलेज है कि आपने हरे चारे को प्रिजर्व करके रख लिया है साल भर के लिए, अब आप साल भर उस हरे चारे को खिला सकते हैं. पर अब जैसा हम भी जानते हैं अचार खाने के साथ थोड़ा ही अच्छा लगता है. आप सोचे कि आप रोटी दाल छोड़ के सिर्फ अचार खा के जिएंगे तो वो भी संभव नहीं है. तो हरे चारे की अपनी एक अहमियत है और उसी अहमियत को देखते हुए हम लोगों ने, अगर आप मैं आप भी आपको दिखाऊंगा सारे हमारे फील्ड्स, ऑर्गेनिक फील्ड्स, तो वहाँ पर सारा हरा चारा इन हाउस ही लगाया जाता है अपने ही खेतों में और पूरा जैविक तरीके से इसी गाय के गोबर और गोमूत्र को यूज करके हम हरे चारा लगा रहे हैं. अंकित जी, आप अभी मुझे बता रहे थे वर्मी कंपोस्ट के बारे में. जी जी. तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे? जी, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ. जैसा कि हम सेल्फ सस्टेनेबल की बातें करते हैं, हमें सारे गाय के काम में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सारी चीजें यहीं यूज कर सकते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है. ओके. तो गोबर से हम जीवामृत बना रहे हैं अपने खेतों के लिए क्योंकि वो लिक्विड है. अब हर किसान के पास तो अभी ऐसा नहीं कि उनके पास गौवंश है, पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो बहुत एक्सेस में गोबर होता है, उतना हमारे पास यूसेज नहीं है हमारे खेतों के लिए. तो अगर आप जितने भी बेड्स देख रहे हैं ये सारे गोबर के बेड्स लगा के हम इस पर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं. और ये वर्मी कंपोस्ट पूरा नेचुरल है, गाय के गोबर से बना हुआ खाद है. हम यही वर्मी कंपोस्ट किसानों को दे रहे हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और एक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रेट्स में हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो इस खाद को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूरिया या DAP यूज़ करने के, वो ये वाला खाद यूज़ करें और इससे वो ऑर्गेनिक क्रॉप्स का फसल ले सके, चाहे वो गेहूँ हो, दालें हों, सब्जियाँ हों. अगर जब उसमें ये वाला खाद डलता है, जब वर्मी कंपोस्ट डलता है, तो उसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स होते हैं तो किसान यूज कर सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्मी मतलब कह सकते हैं कि आप यहाँ से ऑर्गेनिक जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो पास ऑन कर रहे हैं किसान को जी, ताकि वो उसका यूज करके जो भी फसल उगा रहे हैं या जो भी वेजिटेबल्स या जो भी फ्रूट्स कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनिकली हमें मिल पाए. बिल्कुल, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. ये कारण है कि एक सोच है कि हम जो कर सकते हैं वो हम करें, जितना हम ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, जितना हम उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, तो उसमें ये भी एक पार्ट है. तो ये तो रही चारे की बात जी, और ये तो रही वर्मी कंपोस्ट की बात. गाय कहाँ है, मतलब अल्टीमेटली हम लोग तो वही देखने आए कि गिर गाय क्या होती है, मतलब थोड़ा सा एक वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है कि गिर गाय क्या होती है. जी जी जी. और कैसे ऑर्गेनिकली कि जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है और कैसे आप सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे यहाँ पर काम कर रहे हैं. जी जी. उसके बारे में मुझे थोड़ी सी और गायों के साथ इन्फॉर्मेशन. बिल्कुल, दिखाते हैं आपको. तो आशीष जी, आइए सबसे पहले मैं आपको हमारा काफ सेक्शन दिखाता हूँ. बिल्कुल. यहाँ पर वो छोटे बच्चे जो अभी दूध पी रहे होते हैं वो बच्चों का ये सेक्शन होता है. Okay. तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे जो छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं ये सारे वो बच्चे हैं जो अभी जो कहीं ना कहीं फीड पे जो अभी फीड पर जो अभी गाय के दूध पे हैं. Okay. कम या ज़्यादा उनकी एज पे डिपेंड करता है कि कितना फीड इनटेक मिल्क का वो ले रहे हैं. वो सारे बच्चे यहाँ होते हैं और आप दूध में एक अधिकतर प्रॉब्लम जो देखते हैं किसानों के साथ वो ये होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. नेक्स्ट जनरेशन को बड़ा करने के ऊपर उनका फोकस होता है पूरा कितना दूध मिल पाए. हमारे यहाँ पे कंसेप्ट आशीष भी, हम क्या करते हैं कि गाय के चार आंचल हैं तो उसमें से एक आंचल बच्चे का फिक्स है और तीन आंचल का हम लोग दूध निकालते हैं. तो एक आंचल बच्चे को देने का पर्पस ये होता है कि उसको एथिकली उसको उसका दूध मिल जाए और बाकी का दूध हमारे पास आ सके जो हम दूध से हम उसको हमारे कमर्शियल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. तो मोर ओवर ये एक आपका सोशल कह सकते हैं सोशल एस्पेक्ट भी है कि आप सारा दूध मिल ना करके जी इस बच्चे के लिए भी कुछ रख रहे हैं और ये भी उस चीज़ को यूटिलाइज कर पा रहे क्योंकि इन्हीं के लिए दूध आया है. और नॉर्मली अगर आप देखेंगे एक गाय के पास अगर 7 से 8 लीटर दूध एक टाइम का होता है तो एक आंचल में तकरीबन 1.5 से 2 लीटर दूध होता है एक टाइम का जो इनकी फीड के लिए सफिशिएंट होता है. उससे ज्यादा दूध पी ले तो इन्हें भी लूज मोशन हो जाते हैं. और लगभग अभी कितने काफ्स हमारे पास हैं? अभी सर छोटे और ये जो यहाँ पर काफ्स वाले सेक्शन में यहाँ करीब 40-45 काफ्स हैं हम लोग के पास अभी. ओके. जी. और किसान क्या करता है, उसे दूध पिलाना पड़ता है तो उसे लॉस ऑफ प्रोडक्शन लगता है तो वो जो चिका या जो खीस होता है वो तब तक दूध पिलाते हैं और जैसे ही वो खत्म हुआ और दूध अभी पूरा क्लियर हो गया है कंजम्पशन के लिए तो उन्हें दूध पिलाना बंद कर देते हैं. अब प्रॉब्लम क्या होता है, इतना छोटा बच्चा जो 8 या 10 दिन का है अगर उसे दूध मिलना बंद हो जाए तो वो जिंदा नहीं बचेगा. बिल्कुल नहीं. अब वो जिंदा नहीं बचेगा तो प्रॉब्लम क्या है, आपको दूध कोई भी गाय हो या भैंस हो वो दूध बच्चे के लिए प्रोड्यूस करती है, सब हार्मोनल है. जब काफ सकलिंग करता है उसके मदर के टीट को, सकलिंग करने से हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे दूध आता है. अब काफ ही नहीं है तो हार्मोन कैसे रिलीज होंगे, मतलब सेम जो प्रोसेस ह्यूमन एक प्रोसेस होता है कि हम लोग बच्चे को भी लगभग 1 साल तक तो वो फीड करते हैं उसके बाद वो दूसरा इंटेक लेना शुरू करता है. सेम चीज हमारे काफ्स के साथ भी रहता है जी, कि ये भी पहले तो प्रायरली दूध पे डिपेंडेंट रहते हैं. दूध पे डिपेंडेंट है. अब अगर बच्चा नहीं है,
दूध नहीं है, दूध का इंटेक नहीं आने वाला क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, काफ का सकलिंग ही नहीं है तो हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो इन किसान क्या करते हैं, वो एकदम सस्ती क्वालिटी का जो ऑक्सीटोसिन आता है वो एवरी दिन दो टाइम गायों को भैंसों को देते हैं और दूध निकालते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, दूध इन डाउन लेट डाउन करने के लिए, वरना दूध ही रिलीज नहीं करेगी गाय या भैंसों की, बच्चा तो है ही नहीं। अब वो हार्मोनल इंजेक्शंस के डिसएडवांटेज ये हैं कि जो आपने गाय या भैंस को दिया है उसके शरीर में वो आपके पास दूध के फॉर्म में वापस आना ही है। तो जितना भी आप फीमेल्स में पीसीओडी का हार्मोनल डिसबैलेंस के जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं उसका मेजर रीजन ये एक कारण होता है। दूसरा, आप बच्चों में जितनी आप अर्ली ग्रोथ देख रहे हैं टाइम से पहले जो फिजिकल ग्रोथ हो रहा है उसका भी एक कारण ये हार्मोनल इम्बैलेंस है जो डेयरी के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है। तो मतलब कुल मिला के इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं जो हमें नहीं दिखते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें हम निग्लेक्ट नहीं करते, नहीं कर सकते। तो ये तो रहा हमारा काव सेक्शन जी। अब मुझे जो मिल्किंग वाली जो काव है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। वहां जाने के पहले हम आपको मिल्किंग सेक्शन दिखाते हैं जहां हम मिल्किंग कर रहे हैं, ये क्योंकि काव सेक्शन होता है तो, और ये काफ सेक्शन के बाद हम लोगों ने कैसा किया है आशीष भाई कि इसी के साथ ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये हमारा मिल्किंग सेक्शन है। हमारी सारी गाय उधर साइड शेड में होती है जिस वहाँ से गायों को हम यहाँ लेके आते हैं मिल्किंग के लिए, यहाँ से उनके बच्चों को लाया जाता है दूध पिलाने के लिए। जब यहाँ मिल्किंग होता है, मिल्किंग होने के बाद बच्चे वापस उनके शेड में चले जाते हैं और गाय वापस उनके शेड में चले जाते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर शेड डिजाइन किया और मिल्किंग पूरा हमारा ऑटोमेशन प्रोसेस है। मिल्किंग पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस है, हम लोग मशीन मिल्किंग यूज कर रहे हैं, कहीं भी ह्यूमन कॉन्टेक्ट एज सच वैसा वाला नहीं रहता। देखिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा बट मशीन से दो फायदे हैं बेसिकली। सबसे पहला फायदा, लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मशीन मिल्किंग है तो हार्मफुल है गायों के लिए, बट ऐसा नहीं रहता है। ह्यूमन का जो फोर्स है वो इनफैक्ट ज्यादा है फिजिकल फोर्स एट ए टाइम जितना मशीन वैक्यूम प्रेशर से लेती है। उसमें हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो हर इंसान की वैल्यू आप अलग अलग सेट नहीं कर सकते, सबका अपना तरीका होता है। और एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये वाली जो मशीन से सब मतलब आप बोल लीजिए हाई टेक्निकल मशीन है, तो इसमें कैसा होता है कि जब मिल्क का लेट डाउन हो रहा है तब उसका प्रेशर जितना है, अगर मिल्क लेट डाउन नहीं होता तो उसका प्रेशर रिड्यूस होके वो मसाजिंग मोड पे चली जाती है। अच्छा, ये मशीन मिल्किंग का काम भी कर रही है लेकिन सेम टाइम मसाज का काम भी कर रही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि कंटिन्यूस मिल्क ही निकालना है आपको। अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है तो हमारी सोच वही रहती है कि ट्रेडिशनली काम करके हम जितना मैकेनाइज कर सके चीजों को उतने तरीके से करें। तो हम लोग गाय की यूज हर उस कंफर्ट का, हर उस ईज का भी ध्यान रख रहे हैं मिल्किंग के टाइम जी, जो शायद अन्य लोग ना रखते हो। हाँ, कोशिश यही है कि किसी को हार्म नहीं करना है और अच्छे से अच्छी चीज करनी है। तो आशीष जी, अब मैं आपको गायों के शेड्स दिखाता हूँ। कह सकते हैं हमारा मेन सेक्शन है और यहीं से पूरा प्रोडक्शन हो रहा है जी, इन गायों से ही पूरा हमें दूध मिल रहा है जी। जी जी, ओके। सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर करिए कि गिर गाय का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको गिर गाय का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, हम एक आध गाय को इधर बुलाएंगे तो मैं आपको पूरा पास आ जाएंगी। तो ये नंबरिंग से आती है या इनके कुछ नाम? इनके सबके नाम है आशीष भैया, सबके नाम दे रखे हैं। हर गाय का एक टैग नंबर भी दिया हुआ है, एक नाम भी दिया हुआ है। हम लोग को तो नाम याद रहते हैं पर अगर लेबर नया आया है उसे एकदम से नाम याद ना हो तो एटलीस्ट टैग से वो आइडेंटिफाई, क्योंकि दिखने में सब एक जैसी होती है तो एकदम से आइडेंटिफाई ना हो पाए इसलिए हम लोगों ने टैग नंबर भी दिया हुआ है। तो ये सारी गाय हैं जो अभी मिल्किंग वाली गाय हैं इस सेक्शन में, और अभी ये उनका रेस्ट टाइम होता है बट अभी ये आप देखेंगे तो ये आने। तो ये गिर गाय का जो आप मुझे बता रहे थे वो क्या था? गिर गाय का आइडेंटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो मोस्टली इनका एक ये हम्प होता है, ये जो जो कंधे जैसा आपको दिख रहा है जी, ये हम्प होता है। ये हम्प किसी भी नेटिव ब्रीड जो इंडिया की ब्रीड है गायों में उनमें सब में आपको ये हम्प मिलेगा। वो गिर में भी मिलेगा, ये सारी गिर ब्रीड है, वो गिर में भी मिलेगा, साहिवाल में भी मिलेगा, काकरेज थारपारकर हर देसी नस्ल की गाय में आपको ये हम्प मिलेगा। और गिर का स्पेसिफिक जो एक आइडेंटिफिकेशन होता है वो उसका हेड होता है जो काफ़ी ब्रॉड होता है और उसके बहुत लंबे कान होते हैं। अगर आप उधर देखेंगे तो आप सभी में जी सभी में आप लंबे कान लंबे कान हैं और काफ़ी ब्रॉड हेड होता है उनका। ओके, तो ये उनका मेजर आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है गिर ब्रीड में वैसे। और मैं देख पा रहा हूँ उधर भी एक अलग से सेक्शन है, वो क्या सेक्शन है? आइए वो भी मैं सेक्शन आपको दिखाता हूँ। ये सारी हमारी मिल्किंग काउ है। हाँ, ये सारी मिल्किंग काउ। और ओवरऑल अभी कितनी काउ हैं जो अभी सर हमारे पास इस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 55 काउज है यहाँ पर। ओके जी, वैसा ये वाला जो सेक्शन है आशीष भाई, ये सेक्शन हमारा हीफर सेक्शन हम लोग बोलते हैं, मतलब इसमें जितने भी आप लाइव स्टॉक देख रहे हैं, हर्ड देख रहे हैं, ये वैसा है
जिसने अभी तक एक भी बार बच्चा नहीं दिया है। ओके इसमें प्रेग्नेंट हीफर्स भी हैं, नॉन प्रेग्नेंट हीफर्स भी है। नॉर्मली इनका एज 9 मंथ 10 मंथ जब से दूध छूटता है तब से लेके 3 साल तक का जो एज ग्रुप है वो नॉर्मली हम लोग इस सेक्शन में रखते हैं। कह सकते हैं काफ के बाद का जो सेक्शन है वो ये सेक्शन है जी, और यहाँ से वो इधर शिफ्ट सेक्शन है वो उधर शिफ्ट जी, एकदम सही। पूरा चेन है ये, पूरा एक चेन है। अब ये सब आ जाएंगे आपके पास मिलने आपसे। ये एक गिर का स्पेशलिटी है, बहुत फ्रेंडली होती है और बहुत कूल टेम्परामेंट वाली होती है। आप इनके सिर पे हाथ फेर दीजिए तो ये आराम से आपको, आज सब आ जाएंगे आपसे प्यार करवाने के लिए। वैसा है सर, कहते हैं ना जानवर और इंसान दोनों प्यार के तो भूखा है। हाँ, एकदम सही बात है। तो अंकित सर, ये तो रही चारे की बात और गायों की बात। मैं जब जा रहा था यहाँ से निकल रहा था तो मैंने ये 4 बाउल भी देखे। जी जी। तो ये क्या है, ये क्या चीज है? आशीष भाई, जैसे मैं आपको बता रहा था कि गायों को चारे के साथ साथ बाटा या कॉन्सेंट्रेट जिसको हम बोलते हैं वो भी खिलाना होता है। आप आम भाषा में मार्केट में पशु आहार, पशु आहार काफी सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं हम लोग, देखते हैं आप। तो बाहर के पशु आहार के साथ क्या होता है कि वो सब जो थर्ड क्वालिटी का मटेरियल होता है वो यूज करते हैं, क्योंकि गाय या भैंस नहीं बोलने वाले कि वो क्या खा रही है। तो हम लोगों ने उस चीज को फेस किया, हमने सोचा इससे काम नहीं चलने वाला, तो हमने खुद का फीड तैयार किया। मतलब जस्ट लाइक हम ह्यूमन जो सब्जी के अलावा दाल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, तो ये वो दाल, ये वैसा दाल रोटी जो भी आप बोल सकते हैं, तो ये दाल यही बन रही है। हाँ, ये सारा भी हम लोग यही प्रिपेयर कर रहे हैं और इसका कॉम्पोजिशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए कैसे हम लोग बना रहे हैं। ओके, तो आशीष भाई ये वाला जो सेक्शन है हमारा, यहाँ पर हम सारा जो फीड आप देख रहे हैं वो हम तैयार करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, हम क्या करते हैं आशीष भाई, जो फीड तैयार होता है ये जैसा कि इंसानों के लिए ज़रूरत होती है उसी तरीके से गायों को भी ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब चीज़ चाहिए होता है उसे भी। तो हमने उसी का एक कॉम्पोजिशन बनाया है जिसके अंदर हम कुछ अनाज यानी कि सीरियल्स, कुछ लेग्यूम्स यानी कि पल्सेस और कुछ फैट यानी कि डीऑयल्ड केक, ये सब हम यूज़ करके उसका एक सेट कॉम्पोजिशन रहता है जो कि हर सीज़न में चेंज होता है। जैसे इंसानों की चेंज होता है, जैसे कि इंसानों की नीड अलग अलग होती है हर सीज़न में, आप एक जैसा खाएंगे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो हम उसी तरीके से हर सीज़न का एक अलग कॉम्पोजिशन होता है जो हम गायों के लिए तैयार करते हैं। अब ये हम अगर रेडीमेड पशु आहार के लिए जाएंगे तो कभी भी कस्टमाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर खुद वैसा कॉम्पोजिशन बनाया। इसके अंदर अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें आपको गेहूँ दिखेगा, मक्का दिखेगा, जौ दिखेगा, चना दिखेगा। और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम कुछ मेडिसिनल चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये शतावर है। शतावर, शतावर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको शतावर के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ये अश्वगंधा, शतावर और ये आंवला, ये आंवला है, ड्राइड आंवला जो होता है, ड्राइड आंवला जो होता है ये वो है। Okay. और ये जो आप थोड़ा थोड़ा पीलासपन साथ में देख रहे हैं जी, ये पीलासपन इज बिकॉज ऑफ हल्दी, हल्दी भी, हल्दी भी इसी में डाल देते हैं हम लोग। तो गायों को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स, मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट तो मिल ही रहा है, उसके साथ जो मिनरल्स की पूर्ति चाहिए होती है वो हम इससे कर देते हैं। तो लगभग कितने प्रोडक्ट्स का मिक्स है ये, मतलब कितनी चीजें डाली हैं? ऑलमोस्ट अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसमें टोटल जो होते हैं 9 से 10 आइटम्स हो जाते हैं। okay. क्योंकि इसमें मेथी दाना भी है, वो इतना बारीक है देखना दिखाना वैसे एकदम मिक्स होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल है। okay. मेथी दाना है, नमक है वो भी सेंधा नमक। ओके okay. तो सेंधा नमक, मेथी दाना, हल्दी, शतावर, अश्वगंधा, आंवला, okay. इसके बाद फिर गेहूँ, मक्का, जौ, चना और चने का छिलका, तो ये सारे ये बनता है और इसके बाद शायद ये प्रोसेस होता है जी, ये एक मिक्स तैयार हो जाता है यहाँ पर। अब ये क्योंकि पूरा होल फॉर्म में है, ग्रेन फॉर्म में है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा। okay. तो इसको हम लोगों ने यहाँ पल्वराइज करते हैं, ये पल्वराइजर लगा के रखा है। okay. इसमें पल्वराइज होने के बाद आशीष भाई ये इस तरीके का दलिये के फॉर्म में बन जाता है। ओके okay. जी, तो ये दलिये जैसा तैयार हो जाता है और इस दलिये को हम गुड़ के पानी में गला देते हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और इम्प्रूव हो जाती है। वहाँ पर हम जो आपने टब में देखा, टब में देखे जी, तो वो जो गला हुआ फॉर्म में आपने देखा वो इसलिए गला हुआ, गुड़ के पानी में उसको सोक करके रखा हुआ है। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि गाय सिर्फ चारा नहीं खा रही है, यहाँ पर जो फीड बन रहा है वो भी पूरा ऑर्गेनिक है और इन हाउस प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब ये भी जो फीड है, जो इंग्रेडिएंट है, मोस्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, जिन किसानों को हम लोग वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, हमें पता है कि वो जेन्युइनली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। okay. तो हम उनसे बल्क में ले लेते हैं तो हमें थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अंकित जी, ये तो रही डीप रूट्स की बात, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर स्टार्टअप की एक स्ट्रगल स्टोरी होती है जी। तो वो स्ट्रगल स्टोरी जानने में मैं बेहद इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे आपकी क्या स्ट्रगल स्टोरी रही वो बताइए। आशीष भाई, सबसे बड़ा काम ये था कि पूरे परिवार में हम लोगों ने किसी ने कभी गाय या खेती का काम नहीं किया था,
सब लोग बिजनेस बैकग्राउंड से रहे हमेशा से, तो खेती करना, गाय संभालना सब अपने आप में एक चैलेंज था हम लोगों के लिए। बट क्योंकि इंटरेस्ट था तो करना, एक जुनून की तरह करना था तो करना था वाला काम था। तो एवरी मॉर्निंग, क्योंकि आपको इसके टाइमिंग बड़े ऑड होते हैं, अर्ली मॉर्निंग काम करना होता है, तो टाइमिंग स्टार्टिंग उसी से होती है जी। और 365 दिन का काम है, ऐसा नहीं कि कोई ब्रेक या छुट्टी मिलनी है आपको। तो वो एक अपने आप में उस लाइफस्टाइल में अडेप्ट करना एक टास्क था सबसे पहले, तो वो एक चैलेंज था। पर क्या होता है, क्योंकि कभी किया नहीं होता तो आप लेबर से काम करवा तो रहे, वो कर भी रहे, बट सही कर रहे नहीं कर रहे वो उनका एनालिसिस नहीं होता, वो आपको करना है। और जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि सही क्या है, सही क्या है, गलत क्या, और वो कितने टाइम में चीज़ें हो सकती है, मैनिपुलेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, वो हमें नहीं पता चलेगा। तो वो था कि एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी था। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे खेतों में पानी फेरना हो चारे के लिए, जो चारा हम लगाते हैं ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें, तो उसमें खेत में पानी फेरना हो, बीज उड़ाना हो, खेती कैसे करते हैं, वहाँ से लेकर गाय का दूध निकालना, गाय का जब बच्चा हो रहा है तो वो कैसा प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, वो खुद अपने हाथ से करना था। तो वो सब करना अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि कभी किया नहीं था, कभी सुना नहीं था, तो सब कर करके ही सीखा वाला एक पार्ट रहा। तो वो एक अपने आप में एक चैलेंज था इस पूरे काम को करने के लिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है कि आपको खुद आना ज़रूरी है। और क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था, तो कोई वैसा गाइडिंग फैक्टर नहीं था। इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले हम लोग का इंटरनेशनल ट्रेडिंग का काम रहा, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, मेरा मास्टर्स भी उसी फील्ड में, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑपरेशंस में हम लोग थे। तो वही काम था, ऑफिस में बैठना, 5 days वर्किंग होता था, इंटरनेशनल मार्केट सैटरडे संडे बंद होता था, तो 2 दिन की 5 days वर्किंग से आप 365 days की वर्किंग पे आ गए या 7 days वर्किंग पे आ गए वैसे बोलेंगे तो। यस, वो वैसा ही रहा। तो वो जर्नी अपने आप में एक चैलेंज भी बोल सकते हैं, और उसी चीज़ को एंजॉय भी किया, तो आज चीज़ें ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ होगा, बहुत डीमोटिवेटिंग सिचुएशंस आई होंगी, तो हाँ। क्या वो एक सक्सेस मंत्रा आपने फॉलो किया, और या मैं कहूँगा कि वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली आशीष भाई, डीमोटिवेटिंग जो होता था वो उसका कारण ये होता था कि जिस सोच के साथ आपने चालू किया कि हमें कुछ अच्छा देना है, और जब कस्टमर्स उसी चीज़ को रियलाइज़ नहीं करता है, जिसको आप दूध दे रहे हैं, जिसको आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वो डिफरेंस नहीं समझ रहा है कि नेचुरल प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में अंतर क्या है, तो कई बार डीमोटिवेशन होता था कि यार हम किसके लिए कर रहे हैं, हम जिस पर्पज़ के लिए आगे जा रहे हैं लोग उसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है। बट कोरोना का जो पीरियड था 2 साल का, वो सभी के लिए काफ़ी हार्ड था, काफ़ी टफ था, और उस पीरियड ने सभी को यह सिखाया कि नेचुरल चीज़ क्या है, हेल्थ क्या है। उसके बाद से टच वुड, अब कहानी ठीक है कि अब लोगों को हमको समझाना नहीं पड़ता है, वो अवेयर है, अब अवेयर तो है, अब वो डीमोटिवेटिंग फैक्टर थोड़ा कम हो गया है। आगे के प्लान ऐसा है आशीष भाई कि क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सेट है प्रोडक्शन पार्ट पे, गायों के पार्ट पे चीज़ें अब हमें भी समझ में आ गई कैसे होती है कैसे नहीं होती है, अब इसे थोड़ा बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना है, और ऑलरेडी उसके लिए कुछ इन्वेस्टर्स से बातचीत भी कंटिन्यूशन में जारी है, तो उसे बड़े लेवल पे करना है, थोड़ा और इंक्रीज़ करना है, और बड़े लेवल पे इन द सेंस कि नॉट इन टर्म्स ऑफ बहुत ह्यूज क्वांटम, बट और क्वालिटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं, फोकस आपका क्वांटिटी पे ना होकर क्वालिटी पर ही है। और अब जैसे जो हमने गायों के साथ फेस करा है कि यार आप अगर मार्केट में गाय लेने जाते हैं तो कोई अच्छी गाय नहीं देता आपको, जो रिजेक्शन माल होता है वो आपको मिलता है, तो अब हम मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम ब्रीडिंग में भी जा रहे हैं, जिसमें हम अच्छी गाय प्रोड्यूस करके लोगों तक दें, ताकि उनको भी गाय का इंपॉर्टेंस समझ में आए, वो भी रखें। अगर अच्छी दूध वाली गाय मिलेगी तो हर कोई किसान घर में रखना चाहेगा। तो अभी फोकस है कि उन्हें भी अवेयर करना है कि ये चीज़ अच्छी है और आप करो, ताकि एटलीस्ट हम कितना कर पाएंगे, हमारा एक छोटा लिमिटेशन है, लेकिन अगर अच्छी चीज़ आपको सब तक पहुँचाएंगे तो हर कोई करेगा, या एटलीस्ट मेजोरिटी लोग करेंगे, तो फिर ये चीज़ लोगों तक पहुँचेगी। कुल मिला के आपको आप जैसे और लोग बनाने खुद से बने, हम उतना हेल्प कर सके उतना करें, और जितना आपने एक्सपीरियंस गेन किया वो आप उन तक पास ऑन कर सके जी। सुपर स्टार्टअप्स ऑफ इंदौर के पहले एपिसोड में ये था मेरा आज का टूर डीप रूट्स का। ऐसे ही और अमेजिंग स्टार्टअप स्टोरीज के लिए जुड़े रहें आप इंदौर टॉक से।